नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण कन्नौज में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी की थाली का स्वाद कम हो गया है। सब्जी विक्रेता का कहना है कि महंगाई के कारण ग्राहक कम सब्जी ले जा रहे हैं, जिससे उनके मुनाफे पर भी सीधा असर पड़ रहा है। वैसे तो हर साल सब्जी में हरी सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन आलू टमाटर और प्याज की कीमतें इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। थोक मंडी में भी सब्जियों के दाम सुनकर आम आदमी को पसीने छूट रहे हैं। आम आदमी की थाली से कई सब्जियां महंगी होने के चलते गायब हो गई हैं। लोगों के घरों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। कन्नौज से ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। बहुत चरम सीमा पे हैं इस समय दुकानदार, और दुकानदार भी परेशान है और ग्राहक भी, दोनों लोग परेशान हैं इस समय महंगाई के लक्षण। कितने ग्राहक आ जाते हैं अब? ऐसी रखो, इस समय रोटी पानी बहुत मुश्किल में चल रही है। इस समय सन्नाटे इतने तेज है, मंदी भी है बहुत तेज। क्या नाम है आपका? शरीफ अली। कब से सब्जी काम कर रहे हैं? बचपन से ही कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ही सब्जी बेचते चले आए। अफसाना है, मैं गरीब हूँ, गरीब परिवार से हैं, इतनी महंगाई चल रही है जी की, इतनी महंगाई चल रही है। 60 रुपए किलो प्याज है, आलू 50 रुपए किलो, 200 रुपए में क्या मजूरी में होएगा? मेरा आदमी मजूरी करते हैं, 250 रुपए मिलते हैं, उसमें क्या होना है? मजूरी में टूटा फूटा घर है, तो प्याज है, आलू है 50 रुपए किलो, सब्जी इतनी महंगी है, क्या करना है बताओ? कैसे बच्चन को पाले, बच्चन को पढ़ाई लिखाई कराए, मजूरी में 250 रुपए में आए का बच्चन को पढ़ाई लिखाई कराएं, या बच्चन को जो वो करें घर गृहस्थी चलाएं। इतनी महंगाई है बताओ क्या करें? मजदूर के परेशानी है, 250 रुपए में क्या करना? अबे सरकारी का कोई योजना कुछ मिला नहीं है, टूटा फूटा घर है, क्या करना चाहिए? महंगाई का बोझ है बताओ क्या करें? मजदूरदार इंसान 250 रुपए में क्या होना है, कैसे पाले? इतने महंगाई में कैसे पाले मजदूरदार हुई के 250 रुपए में?